अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों में अब श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है। लोकसभा में सरकार ने इसकी जानकारी दी। लोकसभा में सोमवार को एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि छठी और सातवीं कक्षा में श्रीमद् भागवत गीता के संदर्भ और ग्यारहवीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में इसके श्लोकों को शामिल किया गया है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के विकास की पहल की है, जहां जमीनी स्तर से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों सहित विभिन्न हितधारकों से इनपुट आमंत्रित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के इस शताब्दी में ज्ञान शक्ति बनने के लिए हमें अपनी विरासत को समझना चाहिए और दुनिया में काम करने का भारतीय तरीका सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।